की तमाम ब्रांचेस की मुकम्मल फाइलें 30 जून तक हेड ऑफिस पहुंच जानी चाहिए। यस मैडम। नंबर दो, कंपनी के एडवोकेट मिस्टर बुखारी को यह हदायत की जाए कि ईस्टर्न स्टील मिल्स के साथ हमारा जो केस चल रहा है उसको जल्द अज जल्द खत्म किया जाए। इसमें चाहे हमारा नफा हो या नुकसान, आए दिन अखबार आते हैं, आए दिन अखबार आते हैं। क्या बात है बेटे, तेरी ये बेताबी इस बात की निशानी तो नहीं कि तुम किसी लड़की को मिलने जा रहा हो? तुझे कोई लड़की पसंद आ गई? लड़की नहीं, एक लड़का पसंद आ गया और उसे लेने जा रहा हूँ। लड़का? जी मम्मी, आसिफ आ रहा है। आसिफ, आप जरा गेस्ट रूम ठीक करवा दीजिए। गेस्ट रूम की क्या जरूरत, वो तो मेरे कमरे में रहेगा। हाँ, खाने वाने का वधिया बंदोबस्त होगा। मैं तैयार हूँ। वेरी सर, जावेद साहब के अंदाज से तो मैं भी यही समझी थी कि आपकी ख्वाहिश इस खानदान की रिवाज को निभाते हुए जावेद साहब ने इस घर के लिए दुल्हन पसंद कर ली, मगर आज भी वो बात जावेद की पसंद की है। आशा, ये इस खानदान का दस्तूर भी है और बरसों पुरानी रिवायत थी कि इस घर में बहु रस्मों की जंजीरें बांध कर नहीं, पसंद की खुली सेज पर लाई जाती। मैंने भी अपनी ममता को जावेद की पसंद के साथ चलने का आदि बना रखा है, वरना जिस घर में दौलत हो वहां तो रिश्ते टूटे पत्तों की तरह बिखरे रहते हैं। खुदा करे वो दिन जल्द आए जब जावेद साहब की पसंद आपकी ख्वाहिश बनकर इस घर में आए। ममता तो इंतजार कर सकती है, मगर डरती कहीं मेरी बढ़ती हुई उम्र सब्र करने से इनकार न कर दे। कोई प्रोग्रेस हुई, कोई लड़की पसंद आई या थी? वही पहले वाला हाल है। आखिर ये पहले वाला हाल कब तक रहेगा? मजबूरी है, कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। तू ऐसा कर, अपनी आई साइड ये राइट वाली टेस्ट करा। वो क्यों? हो सकता है तेरी दूर और नजदीक की नजर खराब हो गई और तुझे दूर और नजदीक से हर लड़की बदसूरत दिखाई देती। आखिर डॉक्टर हो ना, मशवरा देना तुम्हारा काम। वैसे बुरी नजर के अलावा दोस्त, मेरी नजर बिल्कुल ठीक है। वैसे ये और बात है, कोई सामने ना आए तो फिर देखूं किसे। चलो अब मैं आ गया, कुछ दिन साथ रहेंगे, मिलकर देखेंगे, हो सकता है कोई काम वाम बन जाए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जावेद का इस दुनिया में एक रिश्ता ममता का है और दूसरा तुम्हारी दोस्ती का। तुम इसे अपनी दोस्ती के लहजे में समझाओ कि ये दुनिया को खुली आंखों से देखे और अपने लिए कोई ऐसी लड़की पसंद कर ले जो इस घर की रोशनी भी बने और मेरी ख्वाहिश की तकमील भी। मम्मी ठीक कह रही है जावेद? ठीक कह रहे। फिलहाल तो कुछ नजर नहीं आ रहा, अंधेरा ही अंधेरा। हाँ, एक तरकीब समझ में आती है। वो क्या बेटी? जल्दी में सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। क्या मतलब? मतलब ये कि मम्मी आप इसे अपना बेटा समझती हैं? क्यों नहीं? और तुम मम्मी को मम्मी समझते हो ना? बिल्कुल। तो कोई लड़की ढूंढ के इस खंबे से बांध देते, घर में रौनक हो जाए। देखो जावेद, मम्मी का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन तुम जानते हो मेरे डैडी की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं उनके नाम पर एक हॉस्पिटल तामीर करूं और बहसियत डॉक्टर के इंसानों की खिदमत करूं। खुदा तुम्हें तुम्हारे अहद पर कायम रखे बेटे, और जावेद को भी किसी ऐसे रास्ते पे ले जाए कि वो पागल खाने ही पहुंच जाए। हर बात मेरी मजाक में उड़ा देता है। अरे फिक्र न कीजिए मम्मी, हो सकता है आज ही जाऊं तो एक नहीं तीन चार पांच इकट्ठी मिल जाए, बहुओं की फौजी हो जाए। अरे नहीं भाई, क्या कर रहे हो, एक ही काफी है। अच्छा चल यार, वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग के कॉन्ट्रेक्टर से मिल। चल चल आ मम्मी, खुदा खुदा। बीबी जी, आपकी गाड़ी ठीक हो गई है, आप गाड़ी में बैठिए। तो इतना बेहिम्मत क्यों बन गया बेटे? एक लड़की जो तुझे पसंद आई मगर तेरे नजदीक नहीं, उससे बात किए बगैर, मुलाकात किए बगैर चलेगी और तुम कुछ ना कर सकते।
जी मैं अफसोस के अलावा कर भी क्या सकता। तुम वही कर सकते थे जो तुम्हारे बाप ने किया। तुमने मुझे देखा, मुझे अपने पास बुलाया, मेरे नजदीक आए और फिर मैं तुम्हारी माँ बन गई। बेटी की रफ्तार का जमाना, यहाँ हर काम जल्दी होना चाहिए। आप फिक्र न करें मम्मी, हम शहर का कोना कोना छान मारेंगे, एक एक दरवाजे पर दस्तक देंगे। लड़की है कोई, जिन भूत तो है नहीं, आज मिली है तो कल सामने भी आ जाए। ये कल कहीं परसों में ना बदल जाए, इसे समझा देना। अब जा छान कोना कोना, दे हर दरवाजे पे दस्तक। बच्चू ना मेरी तो पता है क्या होगा। क्या होगा? क्या नहीं होगा तो फिर दुआ करो, दुआ के सिवा और कोई चारा नहीं। हेलो 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 इंजीनियर। हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू? अरे मैं तुम्हें सारी जगह तलाश करता फिर और तुम यहाँ। यार कमाल है, मैंने भी बहुत तलाश किया, तुमको पता नहीं कहाँ चले गए थे तुम। भाई मेरी बात तो सुनो। सुनते रहो यार, तुम जल्दी से आ नहीं जाते इधर है? क्या हाल है और तबीयत कैसी है? यार जहाँ था इतनी देर हो गई, कहाँ थे तुम? मैं तो तुम्हें तलाश कर रहा था, फिर मैंने टेलीफोन किया भी। हाँ इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त जावेद। हाँ लगते हैं दोस्त, लगते हैं, जरा कलर में फर्क है शर्ट की। योर लाइट क्या लाइट? अभी उधर देख। हाँ और सुना, ये अस्पताल कब तक तामीर हो जाएगा? मेरे साथ ही आइए। मेरा मतलब है सरिया ईंटें वगैरह तो सस्ती हो चुकी। ओह हार्ट ट्रबल। सुनिए फरमाइए। मेरा नाम जावेद होगा, मुझे क्या? मैं तो बस आपकी मालूमात में इजाफा कर रहा हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं जी, मगर मुझे तो है। आप वही है ना जो एक रोज सड़क पे पैदल चली जा रही थी और मैंने आपको लिफ्ट देना चाहा था। मगर मैं आपको लिफ्ट नहीं देना चाहती। कितनी खुदगर्ज हैं आप। देखिए ना, इंसान ही इंसान के काम आता है। वैसे बाय द वे योर गुड नेम? इसके बाद आप ये भी पूछेंगे कि आप कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं? मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक है, जो आजकल के छोकरों का दस्तूर है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। हेलो नाहिद, कहाँ की तैयारी है? मैं मरी जा रही हूँ इस शहर से और इस शहर के लोगों से बोर हो गई, तो सोचा कि चंद दिन अच्छे गुजाराऊं। वैसे मैं भी कोशिश करूंगी कि तुमसे मिलूं। अच्छा तवज्जो फरमाइए, इस्लामाबाद जाने वाली फ्लाइट रवानगी के लिए तैयार है। आज सब से दरख्वास्त है लॉन में तशरीफ ले जाए। शुक्रिया। क्या हुआ? वही जो हर बार होता है, चली गई। कहाँ? मरी। मरी? मरी मरी मरी। वो चली गई। वो चली कैसे गई? अगर एक दिन मैं भी तुम्हारे बाप के सामने से इसी तरह चली जाती तो आज तुम माँ किसे कहते? मैं पूछती हूँ तुमने अपने बाप की तरह हिम्मत और हौसला पैदा क्यों नहीं होता? क्या करता मम्मी, जहाज के साथ लटक जाता। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें उसे तलाश करना होगा। वो चाहे मरी गई है या पैरस, तुम्हारे परदादा से लेके बाप तक जो रिवायत कायम है उस पे अमल करो। ये तुम्हारी हिम्मत का इम्तहान भी और मेरी ख्वाहिश की तकमील भी। तुम यही ठहरो, मैं भी आती हूँ। यार मेरे ख्याल में हमें आज ही मरी रवाना हो जाना चाहिए, शायद वो लड़की कहीं नजर आ जाए। अमा क्या सोच रहे हो? यही कि अगर डैडी को भी मम्मी की तलाश में पहाड़ों पे जाना पड़ता तो ये सारी बातें सुनने के लिए आज मैं ना होता। आज नहीं, अभी रवाना हो जाए और वो लड़की मिल जाए, उसे ये हार अपनी मोहब्बत की निशानी बनाकर पहना देना मेरे बेटे। लेकिन मम्मी ये भी तो हो सकता है वो हार लेने से इनकार कर दे, मेरी बात ना माने। जब मैं नहीं इनकार कर सकी तो उसकी क्या मजाल के वो इनकार करते। वो ये हार लेते ही मेरी तरह तुम्हारे साथ कच्चे धागे की तरह बंधी चली आएगी। करामात भी देख ले तू। तूने उस लड़की के बारे में मम्मी को बता के बहुत बड़ी गलती की है। क्या करूं, जरा जज्बाती हो गया, बात मुंह से निकल गई। अच्छा होता तो उस लड़की से मिलके मोहब्बत करके मोहब्बत बढ़ा के फिर मम्मी को बताता। हाँ अच्छा तो होता, लेकिन अब तो तीर निकल चुका। चलो अब इस घर से भी निकले। ए ये तेरी निशान रख रख, पता नहीं। Thank you.
ढूंढता कुछ हूं, मिलते तुम हो। लगता है ये हार तुम्हारी किस्मत में है। शुक्रिया। क्या देखता है सनी? सुना है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है। अफकोर्स अफकोर्स। क्या तुम्हारा अपना माँ नहीं है? जी है। थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज अस। रुक जा भाई कोलंबस, तेरी तलाश की मंजिल यहाँ कहीं नहीं है। थोड़ी सी हिम्मत और कर ले प्यारे, हो सकता है यहीं कहीं मिल जाए। ये महज तेरा वहम है। अरे वो देख, बिल्कुल वही वही तो नहीं। जा जा, गिर जा जाके खत्मों में। नहीं यार, तू जा और जाकर उस पर नफ्सियाती असर डाल, उसके हुस्न की तारीफ कर, मेरे इश्क के कसीदे गा। क्या दिल फरेब मंतर होगा, दिल मेरा होगा, जबान तेरी होगी, हाल मेरा होगा, पूरा हाल तेरा होगा। क्या बकरा है यार, ये तो मुकम्मल जूतों का प्रोग्राम है। अबे जा, नहीं तो छह महीने और यहीं घूमते रहेंगे। तो मैं जाकर कहूंगा क्या? जाकर वो अंधे वाला पाठ करना और मैं तेरी कामयाबी की दुआ करता हूँ। वो हाँ ये क्या जाते हो? अजनबी हूँ, रास्ता भूल गया हूँ, मंजिल तक पहुँचा दीजिए। मैं तुमको नहीं जानती। मंजिल करीब है, मेरा हाथ पकड़। अरे छोड़िए मेरा हाथ, तुम तो मुझे कोई पागल नजर आते हो, अंधे बनकर लोगों को धोखा देते हो। यकीन कीजिए मैं अंधा हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या हुआ? देखो भाई, दोस्ती में मारी परवानी तो जितना दी चाहे खुद मारो। ये औरत से मार खाते हुए कुछ गैरत अजीब से हिल सी जाती है। जूते थे नहीं खातून के पास, थप्पड़ों से काम लिया। यार वापस चलते हैं। ना, वो इन्हीं पहाड़ियों में कहीं घूम रही। वो लड़की है कोई शेरनी नहीं, भला इन सुनसान जंग में उसका क्या काम? वापस चलते हैं। अरे कहाँ? होम स्वीट होम। होम स्वीट होम। और अम्मी को क्या मुंह दिखाएंगे? अरे अम्मी से झूठ बोल देंगे कि वो लड़की हमें मिली थी, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय इकट्ठा पीते थे और खूब घूमते थे वगैरह वगैरह। ये झूठ तुम बोल सकते हो, मैं नहीं। वैसे तुम अपनी आंखों से उसे यहां देख चुके हो, जाना चाहते हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकता। अच्छा बाबा, नहीं जाता, चलो। अरे आसिफ, वो तो देख, वो देख। ये नहीं, मिस नाही, और 11 नंबर मिस्टर जावेद एंड आसिफ। आसिफ, हम दोनों से ज्यादा बड़े उल्लू के पट्टे शायद ही शहर में हो। नौ, 12,
इन मोहतरमा ने हमारे साथ जो किया है तो हम भी। भूत चला गया। भूत, भूत, भूत नहीं जी, जावेद। जावेद। जी। जावेद। जावेद। चलो भाई, मेरा तो इतना ही काम था। पहरा दिया, अपनी जान पर खेलकर आपको भूतों के अटैक से बचाया। अरे यू कुड हैव गॉन मैड, आई सेव योर लाइफ, और उसका ये सिला दिया आपने। वाकई आई एम सॉरी, मैं आपकी ऐसा मान रहा हूँ। कोई बात नहीं, मेरे होते हुए आप बिल्कुल ना घबराइए, मैं हर रात यूं ही पहरा दूंगा। क्या? हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। जी नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं आज ही यहाँ से शिफ्ट हो रही हूँ। क्या जावेद, मुझे भूतों के हवाले करके कहाँ जा रही हैं आप? अब मैं यहाँ रहती हूँ। मैं नहीं मानू। क्यों? अब आप यहाँ रहती हैं। मुझे नहीं पता था, कुछ दिनों बाद सारी दुनिया को पता चल जाए। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा, मजबूरन शादी करनी पड़ेगी। देवी जी, सुनो जी। देवी जी, ये कौन है जी? पता नहीं ये कौन है। इसका मतलब है ये तुम्हें छेड़े है जी। क्यों जी? माफी जी, तूने बीबी जी का पल्लू पकड़े, तुझे मजा चखाऊं जी। जैसे इनकी मर्जी जी, मगर पल्लू नहीं छोड़ेंगे जी। जाने दो जी। अच्छा जी, तुम भी बाबूजी की तरफ दाढ़ी करने लगी हो जी, क्यों जी? कह दो हाँ बीबी जी। ये तुम दोनों जाने जी, मैं सब समझ गई हूँ बाबूजी। जब दोबारा आओगे ना तो बीबी जी को सब बतला दूंगी जी। खैर हो तेरी जी। यार खाना खा ले। प्यास नहीं। तो फिर पानी पी लो। भूख नहीं। खुदा के लिए यार कुछ तो खा लो, मैं तो भूख से मरा जा रहा हूं। लवली शेस। क्या सवाल कुछ करता हूँ, जवाब कुछ देते हो यार? यहाँ भूख से पागल हुआ जा रहा हूँ मैं तो खाना खाने लगा हूँ, और जिसके लिए तुम तड़प रहे हो ना वो आराम से इस वक्त सो रही होगी। सो जा, तू ही सो जा, खाना वाना नहीं खाना। कैसे सो जाऊं,
आग ऐसी लगी है कि बुझाए न बने। पानी क्या हुआ जी? आठ दफा तो दे चुकी हूँ, बात क्या है बीबी जी? क्या बताऊँ रानी, मुझे क्या हुआ है? मैं सब समझे हूँ जी, ये परेशानी ये बेचैनी, तुम्हें प्यार हो गया है जी। तूने कैसे जाना? तुम जो कुछ छुपा रही हो मैं वो सब कुछ देख रही हूँ जी। अच्छा तो फिर ला पानी। लो बीबी जी। ये नहीं भाई, पानी का जग हाजिर है। आपने खाना वाना तो खाया नहीं, इस पानी को पीजिए और उस आग को बुझाइए जो लगी है आपके सीने में। हाय दिल जलता है तो जलने दे, पानी ना पिला खाना ना खिला। लेकिन चला गया भाई। छोड़ बाबू का घर, पी के नगर आज जाना ही पड़ा। अच्छा सुनो, अकेले ना जाना। अबे सो जा आराम से, अकेले ना जाना। चले गए भाई लोग, अब मैं क्या करूं? मेरे सीने में तो आग वाग लगी नहीं है, पी लेता हूँ शायद कुछ धुआं वगैरह निकले। तुम्हें मेरी बेताबी का कैसे पता चला? तुम्हें मेरी बेचैनी किसने बताई? मैं ना मिलता तो? अगर मैं ना आती तो? मुझे अपनी मोहब्बत पर यकीन था, मुझे अपने दिल पर नाज था। सच? दीदी लो आ गई आपकी बॉडीगार्ड। अच्छी तो हो जी। चलता फिर मिले। दीदी जी तुमने भी इस वक्त आना था? मैंने तो बुरा किया है जी, कोई अच्छा भी तो नहीं किया जी। यार तुम बड़ा खुश नसीब आना, अगर मेरे साथ रहा तो तेरे नसीब में जा बैठे। अच्छा तो चलता, कहाँ जा? प्यार मिल, प्यार तो तुझे मिल गया है, और कितनी खूबसूरत है ये निशानी तेरे प्यार की। निशानी मेरे प्यार की, ये डोरी इकरार की। अपना सारा जमाना
रखना, दिल से लगाना, पलकों में रखना, दिल से लगाना, तोड़ना पड़े तो कहो मेरे लिए, तोड़ोगी रस्में संसार की निशानी मेरे प्यार की। आंचल को ऐसे दंग दूं, घूंघट बना दूं, अंग अंग को तेरे आजा दुर्गन बना दूं, आंचल को ऐसे रंग दूं, घूंघट बना दूं, अंग अंग को तेरे आजा दुल्हन बना दूं, सपनों की तेरे तेज सजा दूं, सपनों की तेरे तेज सजा दूं, बाहें खुली है मेरी तेरे लिए, क्या है जरूरत फिर सिंगार की, निशानी मेरे प्यार की, ये डोरी इकरार की, तेरे लिए मैं हूँ तू है मेरे लिए, रुत हो खिजा की या बहार की। हेलो, क्या सोच रही? सोच रही हूँ कल हम कितने दूर थे और आज कितने करीब हैं। मैंने भी ये फासला कम करने के लिए बहुत मेहनत की, और मैंने भी जान बोझ कर एयरपोर्ट पर पता बताया था, वरना जिंदगी भर तुम मुझे नहीं छोड़ सकते थे। यानी आपने मुझे एयरपोर्ट पे ही पसंद कर लिया? जी हाँ। ना जाने क्यों जी चाहता था। वेरी सैड मैडम, आपने मोहब्बत के 11 दिन जाया कर दिए, वरना इस वक्त न जाने हम कहाँ होते। कहाँ होते? कहाँ होते? मेरी अम्मी आपको बहू कह रही होती, आप मुझे सरताज कह रही होती, मुन्ने आपको मम्मी कह रहा होता। चलो पिक्चर। कौन? जावेद? क्या क्या कहा? तुझे वो लड़की मिल गई? जी हाँ अम्मी। तूने उसे वो हार भी पहना दिया? मैंने उसे हार पहना दिया। फिर नतीजा वही निकला ना जो मैं कहती थी? बिल्कुल वही हुआ जो आपका अंदाजा था। शाबाश। पल भर में सारे फासले मिट गए। यूं लगता है कि नाहिद और मैं एक दूसरे को वर्षों से जानते हैं। तो देर किस बात की है बेटे? मैं कहती हूँ पहाड़ से फौरन वापस आओ, शादी करो। क्यों वक्त जाया कर रहे हो बेटे? देखो पहाड़ का मौसम और लड़की का ध्यान तो किसी वक्त बदल सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अम्मी, बस हम लोग एक दो दिन में आए। खुदा शुक्र है तेरा मालिक, मेरे इस दिल जैसे सुनसान घर में कुछ नए कहते हैं तो भूलेंगे। हेलो पापा, जब मैं वापस आऊंगी ना तो आपके लिए खुशी की एक बहुत बड़ी खबर लाऊंगी। हैं? क्या कहा? खुशी की एक बड़ी खबर? क्या पहाड़ पे कोई हीरो की कान मिल गई है क्या? नहीं पापा, मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई है। क्या मतलब? दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई है? और फिर क्या कहा? हेलो हेलो हेलो, कोई है? हेलो हेलो पापा, हेलो। ये टेलीफोन का महकमा भी क्या जेन्युइन महकमा है, बाप बेटी की गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी भाई जान, मरी से नाहिद का फोन आया था, चंद रोज के लिए सैर करने गई है वहाँ। तो गोया अकेले ही सैर करने चली गई? कह रही थी वहाँ पहुँच के कुत्ता खरीद लूंगी। दुला भाई,
आप क्यों नहीं चले गए? क्या कहा? दरअसल हमारे पास टाइम नहीं था। अरे हम मिर्जा जी मर्तबाए आली दुनिया खूब देखी भाली, बात करेंगे निराली, नूरे चश्मी को इतनी आजादी देना अच्छी बात नहीं अख्तर मियां। आजकल फजा में ऐसे जरासीम फैल गए हैं कि इज्जत से सांस लेना भी दुश्वार है। क्यों जीनत बहन? हो सकता है आपकी बात ठीक हो, मगर हमें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। आप तो खामा खा बाल की खाल निकालते हैं। जी जी आपके भाई तो आदत से मजबूर है। भाईजान क्या आपने कभी अपने घर में नजर डाली है कि आपकी नागबरदारियां बरखुरदारियां फैशन के किस मुकाम पे है, किदार की किस मंजिल पे टहल रही है? किसकी मजाल है कि उन पर शक करे? अरे हम उनकी कड़ी निगरानी करते हैं, माँ बनकर प्यार करते हैं, बाप बनकर डांट डपट करते हैं, समझे? मगर फायदा कुछ नहीं होता। कौन है मह कहता है? हम कहते हैं। हम काले जब बंगले के दरबानों को महाना तनख्वाह देते हैं। खूब बहुत खूब, वह महकमा तालीम आप चला रहे हैं। यूं ही समझ लो मियां, क्या मजाल है कि हमारी बरखुरदारियां नाजबरदारियां जिम्मेदारियां हमारे इजाजत नामे के बगैर इस घर से बाहर कदम रखे। हमने आजादी निस्वा के खिलाफ फिलहाल जंग कर रखा और जब तक दम में दम है ये जंग जारी रहेगी। यही जहांगीरी इंसाफ है। Father of $6 million man. तुम यहाँ क्यों आए हो और क्या चाहते हो? तुम्हें चाहते हैं, हमारे साथ चलो। मैं तुम्हारे संग नहीं जाऊंगी। इनकार की सूरत में जबरदस्ती ले जाएंगे। तुम हमें नहीं उठा सकते। नहीं, हम अकबरी मंडी से चार पांडी मंगवा के उठा लेंगे। मुझे मत मारो। दलील कमीने? नहीं झूठ है, ये गलत है, ये बकवास है। माँ जान जा रही है, मामा नहीं आया। हट शरीर कहीं का। टार्जन की बच्ची से वास्ता पड़ा है। अरे तुम? नहीं, तुम्हारा बाप मेरी टांगों को इस तरह चीर रही थी जैसे कसाई बकरे की खाल उतार रहा है। सॉरी डार्लिंग, मुझे माफ कर दो जानी। माफी मांगकर तुमने मेरे जख्म कुरेद दिए हैं जाने मन। अब्बा जाग जाएंगे। फिक्र ना करो जाने मन, अब्बा जान को इस कदर मीठी और सुरीली गोलियां खिलाई हैं कि अब वो कयामत से सिर्फ दो दिन पहले जागेंगे। सो रहा है? जराग दी। ओ बाल्टिया में सफेद, आज तो हम तुझे भुजा कर ही दम लेंगे कम बहुत। ये देख
ये सब तेरी गफलत और लापरवाही का नतीजा है। खुदा ना खास्ता अगर माँ अदालत मिलता जी जान वाला बा इक्तदार बा वकार की तक का जनाजा निकल जाता तो आज हम दुनिया को क्या मुंह दिखाते। अबे ना अंजार, आज तो मैं तुझे मार मार कर तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगा। ओ मैं क्या रुक जाओ मिर्जा साहब, मेरी जबान का जंगरा खुल गया तो इज्जत के साथ साथ आपकी इज्जत का भी जनाजा उठ जाएगा चश्मे वतन में। क्या बकते हो? ठीक बकता हूँ मिर्जा साहब। याद नहीं है बाजी कविता और चाची संगीता के बकरे चोरी कर करके मन्ने की दुकान पर जाकर फरोख्त करता रहा और सारी रकम लाकर आपको देता रहा। और मैं क्या नागे के रोज मल्ले की सारी मुर्गियां चोरी करके आज तक दस्तरखान से जाता रहा और मल्ले में यह बताता रहा कि मिर्जा साहब रईस इब्ने रईस खानदानी रईस। मैं क्या सारी शोहरत मैं ताकि बनाई लेकिन ऐसे मैंने पता है ना तुम बड़े बड़े कंगले गए हो। क्या पकते हो? यही तो हमारी एक कमजोरी है जिसने हमें तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। काश हमने तुझे अपना राजदार न बनाया होता। मिर्जा साहब मैनू मार कुटाई करने की बजाय ना लड़कियां के बारे च सोचो। ये जो कुड़ियां होती हैं ना चिड़िया होती हैं और ना जाने किस वेले उडारी मार जाए। सवेरा हो
दुख की यारा रहे हो तेरा मेरा साथ रहे हो तेरा मेरा साथ वलीमे का इंतजाम मैं करूंगा। देखो इसका ख्याल बुरा नहीं है, मेरा ख्याल है। और हाँ एक वादा करो, जब तुम दोनों की शादी होगी शहनाइयां बजेंगी और शहनाइयों की आवाज दूर दूर तक खुशियों का पैगाम लेकर जाएगी। खुदा करे ये वक्त बहुत जल्द आ जाए, और जब ये वक्त आएगा तो तुम दूल्हा बनकर मुझे लेने आओगे, तब मैं चलूंगा। अरे वाह, जावेद दूल्हा बनकर मुझे लेने आएगा, तुम्हें कैसे लेने आ सकता है? अरे भाभी, इसी का नाम तो दोस्ती है। तुम मुझे जान से ज्यादा अजीज हो आसिफ, तुम्हारी ख्वाहिश में जरूर पूरी करूंगा। अरे लोग बातों बातों में मैं ये बताना तो भूल ही गया, मेरा अस्पताल मुकम्मल हो चुका है, तमाम जरूरी सामान आ चुका है। अब मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों मिलकर मेरे लिए दुआ। तुम जिस अजीम मिशन पे जा रहे हो, खुदा तुम्हें जरूर कामयाब करेगा। जावेद, हमें भी जल्दी वापस जाना चाहिए, आसिफ के बगैर पहाड़ की रंगीनियां उदास नजर आएंगी। ठीक कह रहे, चलो हम भी तैयारी। और हाँ सिर्फ, शादी के बाद हम दोनों तुम्हारा हॉस्पिटल देखने भी आएंगे। अरे मुझे बड़ी खुशी होगी जब हम दोबारा सब एक दफा फिर मिलेंगे, तो वो दिन मेरे अस्पताल का यादगार दिन होगा। नहीं बेटी, जावेद ने तुम्हें पसंद करके इस खानदान की रवायत भी पूरी की है और मेरी बरसों पुरानी ख्वाहिश की तकमील भी। बेटी, जब तुम दुल्हन बन के इस घर में आओगी ना, तो इस घर के दरो दीवार वो लम्हे जरूर याद आएंगे जब मैं दुल्हन बन के इस घर में आई थी। हाँ, क्या जमाना था वो। जमाना तो ये भी बुरा नहीं अन्नी। हाँ बेटे, जमाना तो ये भी बुरा नहीं। और एक बात बताऊं,
ये जो तुम्हारी डैडी है ना, उनके बहुत पुराने दोस्त हैं पापा, उनकी भी बेटी। हाँ, अब आपकी बेटी बन जाएगी इंशाल्लाह। आंटी मैं जरा घर फोन कर लूँ। हाँ क्यों नहीं। हेलो हेलो दोजख। दोजख नहीं पापा, मैं नाहिद बोल रही हूँ। कौन? नाहिद बेटी, तुम कैसी हो? ठीक हो? कहाँ से बोल रही हो? अपने घर से। अपने घर से? अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अपने घर से? क्या कहा? अपने घर से? अपने घर से बोल रही है। घर से तो मैं बोल रहा हूँ बेटी, तुम कौन से घर से बोल रही हो? अनिल पापा, वो मैं जावेद के घर से बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, जावेद के घर? जावेद कौन? जावेद कौन? बेगम बेगम, जावेद जावेद कौन 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 कौन? जावेद वही जावेद। हेलो बेटी, हेलो बेटी, हेलो बेटी, हेलो हेलो पापा। बेटी तुम जिस हालत में भी हो, जावेद को लेकर मेरे सामने पेश हो जाओ, वरना दोनों को लाइन हाजिर कर दूंगा। अंडरस्टैंड? हेलो बेटे, कैसे हो? चिंता क्यों है आपकी, घर में सब खैरियत है अल्लाह का शुक्र है। मगर तुम हो कौन? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। ये जावेद है। ये जावेद है? वो जावेद है? क्यों जावेद है? कैसे जावेद है? कैसे है ये जावेद? पापा ये वही जावेद है जिनका जिक्र मैंने फोन पर किया था। इनकी अम्मी आपको जानती है। फिर तो लाजमी मैं भी उन्हें जानता हूँ। मैं मरहूम नवाब शुजात अली का बेटा। तुम शुजात के बेटे हो? अब समझा, वो तो मेरे बड़े गहरे दोस्त थे। वो तो मैं अफ्रीका चला गया, वरना हम दोनों दोस्तों के घर इतनी दूर ना होते। जी बस अब इजाजत दीजिए। हाँ हाँ, देर तो बैठो बेटे, चाय पीते जाओ। जी नहीं, फिर कभी। हाँ हाँ, फिर कभी सही। ओ बेटे, किसी दिन अपनी अम्मी को यहाँ लेके आना, तुम्हारी अम्मी से मिलकर तुम्हारे अब्बा की यादें ताजा हो जाएंगी। यहाँ जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत मजा आया पापा। हाँ मरी में बहुत मजा आया। मैं जब मरी गया था मुझे भी बड़ा मजा आया। अच्छा? तुमने सारी मरी की सैर की? माउंट एवरेस्ट को देखा? माउंट एवरेस्ट पापा, वो तो हिमालय में है। अच्छा, हिमालय में चला गया? पिछले सीजन में जब मैं मरी गया था तो मरी में ही था। वो मेरे साथ चाय पीता रहा, मुझे गाने सुनाता रहा। ओ पापा आप। हेलो नाहिद, बहुत खुश दिखाई दे रही हो। यूं लगता है जैसे पहाड़ की फिजा बहुत रास आई है। तुम ठीक कहते हो, पहाड़ पर मुझे जिंदगी मिली है। गुड अंकल, अभी अभी यहाँ से जो बेवकूफ गया है वो कौन था? बेटे तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है? अरे वो जावेद था, अपने शुजात अली का बेटा। आज ही नाहिद बेटी के साथ मरीज से आया है। एकदम अहमक है। What? अपनी जुबान काबू में रखो। पहाड़ से बड़ी तरह लेकर आई हो और तुम्हारे लिए मिठाई लेके आती। काफी दूर का सफर था, थक गई है बेचारी। अच्छा तो फिर आप लोग आराम करें, अब मैं चलता हूँ। अगर ये गधा मेरे छोटे भाई की निशानी ना होता तो मैं इस घर में इसकी एंट्री बैन कर देता। कोई बात नहीं है पापा, ये एक दिन यहाँ आना खुद ही छोड़ देगा। अच्छा बेटी तुम जाकर आराम करो। अच्छा मम्मी। हाँ, कौन है फरियादी? किसने याद किया हमें? और मैं क्या मिर्जा जूर? दो औरतों की लगी दीवार टपके काटे दरबार पेश हुई ने। चलो बाजी बिहार कर माफ कराओ। देखो खातून, बारी बारी अपनी रूदात बयान करो, हदू दरबा बताओ,
ताकि वाकियात की रोशनी में हम कोई फैसला सादर फरमा सके। अर्ज ये है मिर्जा जी, इसके बेटे ने मेरी बेटी को अगवा किया, मुझे मेरी बेटी मिल जाए। ये झूठ बोलती है मिर्जा जी, पहले इसकी बेटी ने मेरे बेटे पर डोरे डाले, अब मैं जाने इन्होंने मेरे बेटे को कहाँ छुपा दिया है। मुझे मेरा बेटा मिलना चाहिए मिर्जा जी। बेटा मिलना चाहिए तो अपने शौहर से कहो। फैसला तो आप ही कर सकते हैं। फैसला तो हम जरूर करेंगे। मिर्जा जी पहले हमारा फैसला कीजिए। मिर्जा जी पहले हमारा फैसला कीजिए। पहले हमारा। तुम ठहर जाओ, अभी हमने एक और फैसला करना है। मिर्जा जी बाहर आओ, मिर्जा जी बाहर आओ, मिर्जा साहब बाहर आओ। तुम्हारी बेटी ही गलत है, जैसे भी हो इसके बेटे को ढूंढकर उससे शादी करवा दो, वो ना मिले तो किसी और से करवा दो, यही जहांगीरी इंसाफ है। जाओ। वाह, ये अच्छा फैसला किया है आपने। हमने फैसला कर दिया, तुम भी जाओ। जाओ। नहीं नहीं बेटी, अगर मैं भूल नहीं रही तो शायद आप मरहूम शुजात अली की बीवी तो नहीं? जी हाँ, आप ठीक कह रही हैं, जावेद मेरा बेटा है। आइए आइए, तशरीफ रखिए। नाहिद बेटी कहाँ? नाहिद, नाहिद बेटी देखो तो कौन आया है। मशरूदा जी, मेरी जान की गुड़िया, जीती रहो, खुदा तुम्हें ढेरों सी खुशियाँ दिखाए। ये क्या हंगामा है, क्या हल्ला गुला है, हमें भी बताओ, अगर हम भी फादर ऑफ द हाउस हैं। ये जावेद की वालदा है। अच्छी है, कहिए कैसे आना हुआ? वो नहीं बेटी की याद खींच लाई भाईजान, और मैं आपसे कुछ जरूरी बातें भी करना चाहती। हम समझ गए, आप अकेली आई? नहीं, जावेद भी मेरे साथ। अच्छा, क्यों, क्या हो गया? उसने कहीं सुलेमानी टोपी तो नहीं पहन रखी, नजर नहीं आ रही? वो दरअसल भाईजान बात ये है ना कि आप जब तक उसे अपनी फर्जंदी में कबूल नहीं फरमाएंगे, मैं उसे अंदर नहीं बुलाऊंगी, शराफत का यही तकाजा है। ये बात तो भाई आप धमकी दे रही हैं, तो फिर कान खोल कर सुन लीजिए कि ये शादी जरूर होगी। थैंक यू पापा, थैंक यू। मगर ऐसे नहीं, रमदानी रमदानी मिठाई लेके आओ। लड़ाई कदे इतनी देर लगा दी, इधर लाओ मिठाई, हम अपने बहन की तमन्ना अभी पूरी करेंगे। बहन पहले आप मुझे आइए। बहुत अच्छे दिन, मिठाई दूसरी मत करो। बातें बादलों की बस्ती में।
ऐसे भी क्या जल्दी थी कि नाहिद बेटी की शादी की तारीख तय करती, ना जात देखी ना नस्ल। अरे कम से कम उसका हुलिया तो देख लिया होता। आपको मालूम नहीं कि आजकल रिश्ते नातों में मिलावट होती है, मिलावट। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं भाईजान। और क्या, एक जमाना था जब घोड़े की नस्ल की तरह समाज की नस्ल देखी जाती। अब हमें देखिए, हमारे माँ बाप ने ये नील गाय हमारे गले बांध दिया, आज तक गुजारा कर रहे हैं। जी जी अख्तर मियां, हम जब अंकल क्या बात है, आप बोलते क्यों नहीं? गधा, बेवकूफ, अहमद, देखते नहीं हो मैं कितने मजे से धूप खा रहा हूँ, और इंसान जब कुछ खा रहा होता है तो बोल कैसे सकता है? ओह मैं समझा, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। आज फिर कुछ मांगने आ गए? तुम्हें मालूम नहीं कि आज जुमा है, बैंक बंद है, और वैसे भी मैं खाली बुनियान में हूँ। बात पैसे की नहीं, मैं अपना हक मांगने आया हूँ। कैसा हक? वही हक जो मुझे नाहिद पर है। बहनों की शादी पर भाई हक अदा किया करते हैं, मांगा नहीं करते। तुम कैसे भाई हो नाहिद के? मैं नाहिद से शादी करना चाहता हूँ। पको मत, भाई होकर बहन से शादी करना चाहते हो? निकल जाओ मेरे लॉन से, वरना जबान काटूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ दफा हो जाओ। सिर्फ नाहिद की शादी के दिन भाई बनकर उसकी कार को गंदा देने आ जाना। चले जाओ, मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता। ये मुंह और मूरख छोले। 1000 मेहमानों के लिए खाने का बंदोबस्त, बड़े होटलों में रहने का शानदार इंतजाम, लोकल इनविटेशन कार्ड की जिम्मेदारी मिस्टर वाजिद के जिम्मे होगी, ये सबको बता दिया जाए। 10 बजे हम बारात के साथ चलेंगे और 11 बजे दुल्हन के यहाँ पहुँचेंगे। 12 बजे खाना होगा और 1 बजे वापसी। मम्मी मैं कल पहाड़ पर जा रहा हूँ। पहाड़ पर? दिमाग तो ठीक है तेरा, 2 दिन बाद तेरी शादी है, घर में मेहमान आने वाले, और तू? मैं आसिफ को लेने जा रहा हूँ। देखे, उसे मैंने दावती कार्ड भिजवा दिया और वो उसे मिल गया होगा। मम्मी आसिफ जितना प्यारा है ना, उतना ही जिद्दी भी है। मैं ना गया तो वो नहीं आएगा। हम दोनों परसों सुबह तक आ जाएंगे। जावेद बेटे, मैं तेरी और आसिफ की दोस्ती को जानती हूँ, मैं इसीलिए तुझे रोकना नहीं चाहती। तुम्हें जरूर जाना चाहिए जावेद, हमने आसिफ से वादा किया था, वो तुम्हारी इंतजार कर रहा होगा। मैं ये वादा जरूर पूरा करूंगा नाहिद, यही तो मैं बताने भी आया हूँ। तो फिर जल्दी जाओ, अगर जाने में देर करती तो उसके दिन ना जाने कैसे कैसे ख्याल आएंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरा प्यार तुम्हारी दोस्ती के राह में हायल हो जाए। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी नाहिद, तुम मेरी जिंदगी हो और आसिफ मेरी रूह। वो कितना खुश होगा जब अपने हाथ से मेरा सेहरा बांधेगा, तुम दुल्हन बन के स्टेज पे बैठोगी, वो तुम्हें भाभी कहेगा, मुझे दूल्हा भाई कहेगा। हटो शरीर कहीं के। अरे सुनो तो, खैर कोई बात नहीं, 2 दिन इस घर में नखरे और कर लो।
आपसे कश्तदारों ने अली कार के बारे में क्या खबर लाया? सर, गाड़ी पहाड़ से गिर कर बिल्कुल जल गई। जिंदा मुर्दा या जख्मी का पता नहीं चल सका। ये कागजात मिले हैं। जय वाले ऑपरेटर से कहो कि शनाख्ती कार्ड के एड्रेस पर हादसे की इतला कर दे। तो आपकी मौत का सदमा बेगम साहबा की जान भी ले गया। बेगम साहबा, किससे मिलना है? नाहिद से। क्या काम है उसे? मैं नाहिद की माँ हूं। मेरा नाम आसिफ है, वो मेरा दोस्त था। आसिफ, शायद तुम वही जीत हो जिस पर जावेद ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। हाँ, मैं वो बदनसीब हूँ। आ जाओ, शायद तुम्हारी जबान ही रोती हुई नाहिद की जिंदगी के लिए दिलासा बन जाए। नाहिद तो दुनिया से मुंह फेर कर बैठ गई है, हो सकता है तो पलट कर फिर से दुनिया की तरफ देखने लगे। जिसे तुम देखने आए हो वो नाहिद तो कब की मर चुकी है। अब तो सिर्फ एक लाश है जो कब्र तक पहुंचने के मुंतजर है। यूं न रो नाहिद कि मैं अपनी दोस्ती का भरम देकर तुम्हारे आंसुओं में बह जाऊं। तुम्हारी हर आह एक शिकायत है, तुम्हारी हर सिसकी एक किला है, तुम्हारा हर आंसू बार बार मुझसे सवाल कर रहा है कि मेरी दोस्ती ने जावेद को मौत के रास्ते पर क्यों बुलाया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं आसिफ, शिकवा है तो उस तकदीर से जिसने मोहब्बत तो दी थी मगर उसको मंजिल न दे सकी। इंसान तकदीर से नहीं लड़ सकता। नहीं, इंसान अपने आप को मिटा तो सकता है। मैं चाहता हूँ तुम जिंदा रहो जावेद की याद बनकर। जब रोशनी ही चली जाए फिर दिया रोशन नहीं रहा करता। गम को सब्र की चादर से ढांप कर इस दुनिया में लोग जी लिया करते हैं। नहीं, मैं औरत की मोहब्बत हूँ, मर्द की दोस्ती नहीं। तो फिर मुझे मारकर, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। मेरी दोस्ती छोटी सी ख्वाहिश जावेद को मौत की मंजिल तक ले गई। मैंने तुम्हारे दिल का खून किया, मैंने तुम्हारी हंसती हुई आंखों को आंसू दिए, मैंने तुम्हारे सुहाग के जोड़े को अपनी जिद के कफन पहनाया। आज मैं तुम्हारे सामने वो पछतावा बनकर आया हूं नाहिद, जिसे तुम अपने आंसुओं की नहीं नफरत की सजा, मेरे दिल पर गिरती हुई जहर जैसी बूंदे उठाकर मेरे सीने में डाल दो। मैं तुम्हें रोते सिसकते मरते नहीं देख सकता। आज इस दोस्ती से चारे इस लहजे को मिटा डालो जिसने तुम्हारी आंसुओं को हसरतों में बदल दिया। चलो चलाओ गोली, चलाओ गोली, 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 चलाओ गोली, 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 गोली। ये तुमने क्या किया नहीं? ठीक हो ना? खांसी वासी तो नहीं आती ना? हाँ,
एक्सरे प्रिंट शीट को चेक करा के और रिपोर्ट डॉक्टर आसिफ को दे। यस सर। हेलो, कहाँ जा रही हो? मैं डॉक्टर प्रवीण से मिलकर अभी आती हूँ। ओके बाय। जावेद जिंदगी से मुंह मोड़ चुका है, ना ही तुमसे मुंह मोड़ चुकी है, पर तुम सिर्फ जिंदगी और मौत के दरमियान चलने के लिए जिंदा हो। ऐसी आग जो खुद तुम्हारे हाथों लगी है, तुम जावेद के खातिर, तुम जावेद के खातिर, तुम जावेद के खातिर, तुम जावेद के खातिर। आज से तुम मुझे जान से ज्यादा अजीज हो। भला कोई दोस्त अपने दोस्त को कैसे मार सकता है? मैं औरत की मोहब्बत हूं, मर्द की दोस्ती नहीं। नहीं, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। इन आंखों ने तुम्हारी आंखों में आंसू देखे, इन आंखों ने जावेद की मां को कब्र की मिट्टी बनते देखा, इन आंखों ने दो घरों के तरे दीवार को रोते देखा। मैं इन आंखों को, मैं इन आंखों को फोड़ डालूंगा, मैं इन आंखों को फोड़ डालूंगा। आसिफ बेटे, तुम मर गए तो मेरा मिशन नामुकम्मल है। तुम्हें जावेद की याद और नाहिद का दिलासा बनकर जिंदा रहना था, जिंदा रहना था, वरना ना मैं तुम्हें माफ करूंगा, ना जावेद और ना जावेद की मां। सर, 16 नंबर गोला थ्री देख लीजिए, मरीज की हालत बहुत खतरनाक है। आप ऑपरेशन का बंदोबस्त कीजिए। यस सर। खतरे से बाहर है। डॉक्टर, आप कुछ थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। नहीं परवीन, मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो मुझे अपने काम में मसरूफ रहने दो। ये बाहर शोर कैसा है? जहां मुफ्त दवाई मिले वहां शोर हंगामा होना जरूरी है। दवाइयों की कीमत वसूल करना शुरू कीजिए, हंगामा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तुम मुझे डॉक्टर कम और दुकानदार ज्यादा बनाना चाहते हो। अपने हमवतनों की खिदमत का ख्याल ना होता तो मुल्क से बाहर जाकर बहुत रुपया कमा सकता। गरीबों की खिदमत का शौक बड़ा खतरनाक है सर। हमारे आवाम बड़े हरजाई हैं, ये अपने हर खादिम को पहले फूलों के हार पहनाते हैं और फिर जूतों के। अच्छा बकोमत, बाहर जाकर शोर बंद कराओ। शोर करना तो गोरी की आदत है सर। कभी ये इंजेक्शन लाओ, कभी वो दवाई लाओ, और वैसे पूरी कोशिश के बावजूद उसकी माँ की सेहत रोज बरोज गिरती जा रही है। जब जवान बेटी आंखों के सामने हो तो गरीब माँ पर किसी दवाई का असर नहीं होता। वो बेवा और बेसहारा औरत बड़ी जुर्रत से अपनी बीमारी का मुकाबला कर रही है। मुबारक हो जन्नत बहन, मुबारक हो। हाँ शेरू भाई, क्या आज फिर किसी कागज पर मेरा दिलासा लिख लाया, या फिर रोशन को शहर से बुलाने के लिए मुझसे कोई बहाना पूछने आया? अरे नहीं जन्नत बहन, अब ना किसी बहाने की जरूरत है ना इंतजार की। रोशन ने साफ साफ लिखा है कि उसने छुट्टी भी ले ली है, 2-4 दिन की बात है मेरा बेटा घर आ जाएगा। ये देख खत। ऐसे खत तो तुमने बहुत दिखाए हैं शेरू भाई, बस अब तो ये यकीन दिला दो रोशन शहर से आ जाएगा और मेरी बेटी सुहागन हो जाएगी। ओहो जन्नत, मैं बता तो रहा हूं। तुम समझते क्यों नहीं शेरू भाई, जवान बेटी आखिर कब तक अमर बेल की तरह मेरे बुढ़ापे से लिपटी रहेगी, और ये सूखी टहनी किसी वक्त भी हवा के एक झोंके से टूट सकती है। फिर
फिर क्या होगा? ओ, हौसला रख जन्नत, तकदीर इतनी जालिम नहीं हो सकती कि बाहर आने से पहले, फूल खिलने से पहले ही टहनियां तोड़ डाले। तू अब जल्दी से गोरी के हाथ पीले करने की तैयारी कर, मेरा रोशन भी आ रहा है और सावन भी। इस सावन में रोशन और गोरी एक हो जाएंगे, ये शेरखान का फैसला है। जी जहाँ आएंगी
उन्हें बड़ी अच्छी तरह से चेक किया है, उन्हें किसी किस्म का कोई मर्ज नहीं। हाँ, अलबत्ता जहनी तौर पर परेशान जरूर। परेशान? इस परेशानी की दवा किस कंपनी से दस्तयाब होगी डॉक्टर साहब? मेरा ख्याल है आप लोग उसे इस माहौल से कहीं दूर भेज। मगर इसका फायदा क्या होगा डॉक्टर साहब? नया माहौल, आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल पर लगी हुई चोट का मरहम बन जाएगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा, मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज़। थैंक यू डॉक्टर। अख्तर मियाँ, डॉक्टर साहब का मतलब है कि नाहिद बेटी को किसी पुरफजा पहाड़ी मुकाम पर भेज देना चाहिए। मगर मुश्किल ये है, मुझे ब्लड प्रेशर है और मैं नाहिद के साथ पहाड़ पर नहीं जा सकती। और मुझे कारोबारी सिलसिले में कनाडा जाना है, मैं भी उसके साथ नहीं जा सकता। तो आप में से कोई ना जाए? हम अपनी बर्खुरदारियों के साथ नाहिद को लेकर बाहर में, मेरा मतलब है कि पहाड़ पर चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, आप तैयारियां कर ले और कल ही चले जाए। ठीक है, हम कल ही हिल स्टेशन रवाना हो जाएंगे। यही जहांगीरी इंसाफ है। अरे वाह, यानी तुम यहां खड़ी हो और हम तुम्हें जमाने भर में ढूंढते फिर रहे हैं। चलो शहर के लिए चलते हैं। आप जाइए, मेरा जी नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? तीनों बरखुरदारियां तो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। आप इन्हें ले जाइए मामू जान, मुझे तनख्वाह छोड़ दीजिए। ऐसा न कहो बेटी, आखिर कब तक अपने आप से लिपट कर रोती रहोगी? वक्त हर दर्द का मरहम होता है। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा ये दर्द भी कम हो जाएगा। चलिए ना बाजी, इस खूबसूरत वादी में डूबते हुए सूरज का मंजर बड़ा खूबसूरत लगता है। जल्दी चलें, अगर ये सूरज डूब गया तो। सूरज तो कब का डूब चुका, अंधेरा तो बहुत पहले हो चुका। अब मैं कुछ देखना भी चाहूं तो मुझे कुछ नजर नहीं आएगा। मेरा दिल कहीं नहीं लगेगा। क्या हमारे साथ भी आपका दिल नहीं लगता? मेरा दिल टूट चुका है। मैं दरख्वास्त करती हूँ बाजी, जिद ना करो प्लीज। मैं मजबूर हूँ। अगर तुम मजबूर हो तो हम भी पत्थर नहीं कि तुम रोती रहो और हम सैर करते रहे। नहीं, जाओ बरखुरदारियों, तुम चिरागदीन के साथ सैर करने चली जाओ, हम कहीं नहीं जाएंगे। चले आना जाना मेरे नाल नाल चलो नी। ओए पुराए जमाना मिर्जा तेरे कुर्बान जावा। बड़ी अकलमंदी वाली गल की। साडे वड्डियां ने दसिया सी कि आज तो कोई 200 साल पहले इस पहाड़ी के पिछले पासे सिकंदर आजम ने ट्यूबवैल लगाया सी। ये पानी सारा उथों इथे आंदा। और ये पत्थर? ए पत्थर वो पिछले साल ते मिर्जा साहब नाल ते मेरे नाल गल्लां करदे सन, इसे साल ही आया ते पत्थर हो गए ने। बाकी सुने इन्हां दे बारे च भी,
आज तो कई साल पहले इतने जिन्हों की हुकूमत सी इन्हों के बच्चे जो स्कूलों पढ़ के आते सन धागा नहीं है नहीं बिल्कुल नवी काफी है कितो आई तुम यहाँ बैठो हम तनहा घूमना चाहती है रिश्वत है कितने जाना जे ये हमारी आजादी की कीमत है भाई देखो दाए बाए ना हो जाना मैं फेर पिया कहना वा बिल्कुल मैं एक मिनट के लिए आंखें बंद करो अच्छा जब तुम आंखें खोलोगे तो हम वापस आ जाएंगे ठीक है ना बिल्कुल यकीन तू आंदी है ना ठीक है फिर हर दादी वाले दिन एडिक काफी ला देना करना मैं भी पोले बहा ना करा ला तुसी गायब हो मैं अखियां बंद करन लगा ठीक आंखें बंद करा कर लीतियां करना कर लीतियां कर लीतियां है? मेरिया जिम्मेदारियां कितने गई इनके साथ वो हशर करते जो हमने उनके साथ किया है। बात दरअसल ये है चाचा जी। चाचा जी नहीं मिर्जा जी कहो मिर्जा जी बात दरअसल ये है कि आपकी साहबजादियों को डाकुओं के कब्जे में देखकर हमने डाकुओं पर उसी तरह हमला किया जिस तरह कुत्ता हड्डी पर हमला करता है। मेरा मतलब है इस लड़ाई मार कुटाई में हमारा एक साथी भी खर्च हो गया। खर्च हो गया जी। साथी था या करंसी का नोट? उसी तरह हल्का फुल्का था हुजूर, उसकी एक टांग टूट गई और अब वो अस्पताल में है और डॉक्टरों ने उसकी टांग को टांग कर टांग के पता नहीं किस तरह लगाए होंगे। लड़कियों ये दरोगोई है या फिकर? जी बिल्कुल ठीक है अब्बा जान, अगर ये हमारी जान ना बचाते तो हम ना होते तो किसी और के चर्चे होते। मिर्जा साहब आज आपकी इज्जत मरहूम हो चुकी होती। हेलो नाहिद, तुम यहाँ कब आए हो? जब से तुम आई हो। मगर क्यों आए हो? सिर्फ ये पूछने क्या है तुम यहाँ कब तक दर्द की तस्वीर बनी रहोगी? मेरा दर्द, मेरी जिंदगी, मेरे हालात से तुम्हारा क्या वास्ता? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ।
मगर मैं तुमसे नफरत करती हूँ। एक दिन मैं इस नफरत को प्यार में बदल दूंगा। क्या बात है माँ, शहर से जो कोई भी आता है पहाड़ों की हरियाली, वादियों के झरने, नदी की उछलती कूदती लहरों को इस तरह देखता है जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। हर कोई यहाँ के फूलों को इतना गले लगाता है जैसे फूल कभी उसने देखे ही ना हो। क्या शहर में फूल नहीं होते माँ? बहुत होते हैं बेटे, मगर उनमें महक नहीं होती। जन्नत, जन्नत, जन्नत रोशन आ गया है, मेरा बेटा आ गया है। रोशन हाँ, कहाँ है? यही तो था मेरे साथ। रोशन, रोशन, इधर आ बेटे, इधर आ, ले जन्नत देख ले मेरा शेर, मेरा बेटा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अरे जब तू गया था तो क्या गया था, और अब आया है तो क्या बनकर लौटा है। जवानी ने बचपन की तस्वीर ही मिटा दी। यही तो कुदरत के खेल हैं जन्नत, एक तस्वीर मिटती है तो दूसरी बन जाती है। ये कौन है बाबा? हाँ, क्या? रोशन बेटा, तू शहर क्या गया, सब कुछ ही भूल गया। माना कि तू 10 बरस की उम्र में शहर चला गया था, पर क्या तुझे ये भी याद नहीं, तू सारा सारा दिन इस आंगन में गौरी के साथ खेला करता था। हाँ बाबा, कुछ कुछ याद आया। चलो अच्छा, कुछ याद तो आया। सबसे बड़ी खुशी की तो बात ये है खैर से तू वापस आ गया है। और सबसे बड़ी खुशी उस वक्त होगी जब रोशन तेरे माथे पे सेहरा सजेगा, मेरा बेटा दुल्हा बनेगा, शहनाइयां बनेगा। तू मुझे बहुत याद किया करती। हाँ, इतना किसी सोच भी नहीं सकता। मैं तो फिर चला जाऊंगा। कहाँ? शहर। अच्छा, तो तू शहर चला जाएगा? हाँ, मेरी मर्जी। Thank you.
उई माँ, आज तो तुझे बहुत तेज बुखार है। कोई नई बात नहीं बेटे, ला फूल दे मैं ले जाऊँ। नहीं, तू फूल लेकर नहीं जाएगी, मैं चली जाऊंगी। उतराई चढ़ाई, सर पर बोझ, इतना तेज बुखार, तू गिर पड़ी, चोट लग गई तो क्या होगा? अभी नहीं गिरूंगी, कुछ दिनों बाद गिरूंगी, फिर आराम से सो जाऊंगी। देखो माँ, ऐसी बात ना किया करो, फूल तो मैं ही लेकर जाऊंगी। न तू फूल लेके जाएगी न माँ, मैं ले जाऊंगी। तू और क्या, जवान बेटे जिंदा हो तो माँ को मेहनत करने की क्या जरूरत है। ला, बस यूं गया यूं आए। सुन बेटा, होटल वालों से फूलों की पर्ची जरूर ले आना। अच्छा जी। ये गुलदस्ता बाकी कैसे बच गया? सब कमरों में गुलदस्ते सजा दिए साहब, बस वो 221 नंबर कमरा है ना, वो बंद था, अब इसे आप यहीं सजा लीजिए। और हाँ मैम साहब, पैसों की वसूली की पर्ची बना दीजिए। 421 नंबर कमरे वाली खातून आ गई है, उनके कमरे में ही सजा दो, इतनी देर में मैं ये पर्ची लिख देती हूँ। अच्छा जी। बीबी जी, आप नहीं थी बीबी जी, मैं तो फूल लेके आया था। तुम चिंता हो जावेद जी। कौन जावेद? मेरा नाम तो रोशन है बीबी जी, सामने वाले गांव में रहता हूँ। तुम तो मेरे दिल में रहते थे, सामने वाले गांव में कब से रहने लगे जी? बताओ जावेद, तुम मर गए थे, जिंदा हो गए। मैं मर जाती, तुम जिंदा होते तो क्या होता? मैं कब मर गया बीबी जी? और फिर हमारे गांव में कोई मर जाए तो फिर वो जिंदा नहीं होता? आपके शहर में क्या होता है ये मुझे नहीं पता। तो क्या तुम मेरा बहन हो? तकदीर की दी हुई सजा हो, मेरे माजी की राख हो, या मेरी जिंदगी में कोई नई चिंगारी हो? मैं तो बस फूल लेके आया था बीबी जी, ये लीजिए खुद सजा। और क्या कहा उस लड़की ने? अरे कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, मैं ही चढ़ाया वहाँ से। लगता है वो शहर में कुछ खो आई है और पहाड़ों पर पगली बनकर उसे ढूंढ रही है। किसी का कुछ खो जाए तो वो पागल हो जाता है। हाँ, तो उस लड़की की बात का बुरा ना मानना, इस मौसम में शहर से कई बीमार और पागल आते हैं। पिछले बरस एक बाबू आया था, लोगों को पत्थर मारता था, हंसता था, फिर कपड़े फाड़ता था। अच्छा, मुझे उस बेचारे पर बड़ा तरस आया। थोड़े से फूल और थोड़ी सी हमदर्दी अगर किसी का दिल रखने के काम आ जाए तो अच्छी बात है ना? हाँ ये तो बहुत अच्छी बात, मुझे भी बहुत तरस आया उस बेचारी पर। जावेद? जावेद नहीं बीबी जी, मैं रोशन हूँ। क्या तुम वो नहीं जो मैं समझ रही हूँ? बीबी जी लगता है आप सारी रात जागती रही। ये फूल वहां सजा दूं? बीबी जी, ये जावेद कौन है जिसे आप तलाश करती हैं? काश वो तुम होते। आपका हार बीबी जी, इतनी कीमती चीज और यूं फेंक दी आपने? तुम इसकी कदर जानते हो? ओ, मुझे नहीं पहचानते हो? Thank you.
लगा जी इतनी देर? शहर में उस मेम साहब के पास। अजीब सी बात है गोरी, आज तो वो रोते हुए गाती थी और गाते हुए रोती थी। मुझे लगा बड़ी दुखी है बेचारी। पर तुझे उससे क्या, कोई रोए गाए यहाँ से, उसकी मर्जी। ले तूने ही तो कहा था शहर से दुख लेके आने वालों के साथ हमदर्दी करनी चाहिए। कहा जरूर था, लेकिन जिसे तकदीर आंसू दे उसके आंसू इंसान तो नहीं पहुँच सकता। तू सिर्फ मेरा है और बस मेरा ही रहेगा। हेलो नाहिद, आउटे के लिए निकला था, सोचा मौसम खुशगवार है, अगर ऐसे में एक अच्छे साथी की कंपनी मिल जाए तो मौसम की रंगीने में और भी चार चांद लग जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है? प्लीज मुझे तन्हा छोड़ दो। नो 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 नो, इतनी बेरुखी अच्छी नहीं होती। जाने वाले और मरने वाले दोनों एक ही कश्ती के सवार होते हैं। फिर मैं जिंदा हूँ तो मैं उदास और परेशान नहीं देख सकता। एक बार मुझे अपने प्यार की भीख दे दो। जावेद तो मर चुका। I say get out. मेरा आना बुरा लगा? मैं पूछती हूँ तुम मेरे कमरे में किसकी इजाजत से आए हो? अब ये जालिम नहीं मानता। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मगर साथ तुम भी चलोगी? दलील कमीने। एक मरने वाले की याद में कब तक आंसू बनकर बहती रहोगी? आओ मेरी दुनिया में चलो।
फांसी गिरी है बीबी जी। किसी का घर जल गया होगा। बरसात में आग कब लगती? जिसने जला हो भारी बरसात में जल जाता है। बीबी जी एक बात पूछूं? एक बात बताओगे? पहले मैं पूछना चाहता हूँ। पहले मैं कुछ जानना चाहती हूँ। बीबी जी आपने तो मुझे उलझन में डाल दिया। तुमने तो मुझे कांटों पर डाल दिया है। लेकिन मैंने क्या किया है? तुमने आज मुझे क्यों बताया? बीबी जी अगर मेरी जान भी चली जाती तो मैं आपको जरूर बचाता। शायद आपको ये नहीं मालूम कि उस दिन ये पहाड़ मैदानों से भी नीचे हो जाएंगे जिस दिन यहाँ किसी मेहमान की इज्जत नहीं। तूफान थम गया है बीबी जी, अब आप आराम कीजिए, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। उस कमबख्त की ये जरूरत कि उसने तुम्हें अगवा करने की कोशिश की, अरे वो तो अच्छा हुआ कि उसे सांप डस गया, वरना हम उस पर मुकदमा करवाते, उसे कैद करवाते हैं, उसे फांसी दिलवाते हैं। अब्बा जान वकार इतनी जलील हरकत कर सकते हैं कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती। नादान लड़की तुम्हारी सोच अभी कमजोर है, कमजोर। कुत्तों के आगे डाल देना चाहिए। होना तो ऐसा ही चाहिए था मगर ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए कि उस बदनसीब का हमारे खानदान से कुछ कुछ खून का रिश्ता है। मेरा ख्याल है कि वकार की लाश को शहर ले चलो। नाहिद बेटी जीते जी जितने शिकायत हो मरने के बाद उसे माफ कर देना चाहिए। आप मर जाए तो किसी आंख से आंसू नहीं आया करते मामू जान। मुझे वकार की जिंदगी से भी नफरत थी और मौत से भी। बात तुम्हारी तो 100% ठीक है बेटी, मगर इंसानियत भी तो कोई चीज है। हाँ हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि खुद ना सही मजदूरों से कह के वकार की लाश को किसी ट्रक में डालकर शहर भिजवा दें ताकि म्यानी साहब में लबे सर उसे कब्र नसीब हो, ताकि हराने जाने वाला उसकी कब्र पर थूके। ये तो आवाम की मर्जी है, हम रोकने वाले कौन हैं? और यही फिर जहांगीर इंसाफ है। जान 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 है तो जान है। आखिर हम कब तक यूं प्यार की चुप चुप कर आंख में चली खेलते रहेंगे? जब तक पकड़े नहीं जाते। क्या मतलब? मतलब ये कि प्यार जब अपनी मंजिल पर पहुंचता है तो हीर और रांझे के दरमियान कह तो जरूर आ जाता है और चुपचाप थक चूर कर सो जाता है। हमारी इस प्यार भरी रोमानी दास्तान में कैदों का किरदार तुम्हारा बाप अदा करेगा। मगर कैदों तो लंगड़ा था। कोई बात नहीं, तुम्हारे बाप की भी एक ना एक दिन टांग जरूर तोड़नी पड़ेगी। हर तरफ प्यार ही प्यार है और एक मैं की जुदाई की आग में अकेली जल रही हूँ। माफी मांगनी है तो अपने रब इज्जत से मांगो, हम गुनाहगार तुम्हें क्या माफ कर सकते हैं? और मिर्जा साहब गुनाहगार तुसी भी हो, गुनाहगार मैं भी हाँ, इंशाल्लाह एक दिन दोवें दोजख की आगे से जावांगे। इस दुनियादारी दे विच मेरी की इल्तजा है मिर्जा साहब। हम समझ गए, खूब समझ गए, तुम अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए हमसे कुछ अर्ज करना चाहते हो, है ना? और नहीं मिर्जा साहब, मैं तो पहले ही इस घर का बड़ा हराम खाता वे ते फर्ज एक दिन पूरा नहीं किया वे। आज जो वेला आ गया मिर्जा जी के मैं अपना हक अदा कर देवा। तुम कहना क्या चाहते हो? और मिर्जा जी मैं कहना चाहना वा कि तुसी अपनी नूर चश्मिया की शादी जिथे मैं कहना उथे कर दो, जहाँ तुम कहते हो वहाँ करते हैं। आहो मिर्जा जी, नहीं तो एक दिन आवेगा चिड़िया उड़ जानियां ते पिंजरा ताडे हाथ च खाली रह जाएगा। क्या वक्त हो? सच आखना मिर्जा साहब, ताडिया बरहुरदारियां इश्क दी उस मंजिल से पहुंच गई ने जिसों वापस आना बहुत मुश्किल है। मेरी मनो ते रब का ना देना दी डोली तोड़ दे, किते ओ ना होवे ताडी गैरत दा जनाजा चौंक च चुकिया जाए ते ताडे उत्ते इश्क दे छी कतल पै जान, तानू सरे आम थी दफा फांसी लगे। मैं नहीं चाहता कि मेरा आका बच्चे चुकन वाले वांग फांसी लग जाए। हाँ कर दो, हाँ कर दो मिर्जा साहब।
हम समझ गए जरालदीन, हम समझ गए। तुमने हमें जिस खतरे का एहसास दिलाया है उसे हम शिद्दत से महसूस करते हैं। लड़कियों जी, तो जो कुछ तुम लोगों ने छुप छुप कर सुना है और जो कुछ जरालदीन ने रो रो कर कहा है वो सच है, तो क्या तुम्हारे इरादे खतरे के निशान से ज्यादा बुलंद हो गए हैं? मजबूरी है, शादी बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। जरालदीन, जाओ उन तीन दरिंदों को दुल्हा बनने का मशवरा दो। हमने तुम्हारा मशवरा कबूल किया। आज हम इन बेटियों के बाप बनके जिस तरह मजबूर हैं, कल वो दरिंदे भी इसी तरह मजबूर होंगे। यही जहांगीरी इंसाफ है। आज जियो मेरे मुगले आजम। और मैं क्या मिर्जा साहबा, और बतिया की शादी की हाथ कर ली जे, ऐसी रजाई भी तो रफू करवाओ। वो भी हो जाएगी, उससे भी जहांगीरी इंसाफ किया जाएगा। इस सावन की 20 को तेरा ब्याह गौरी से हो जाएगा। सावन की 20 को बाबा? हाँ मेरे बेसब्रे, इस सावन की 20 को तेरे माथे में सेहरा सजेगा, हर तरफ खुशियां होंगी, पूरी वादी खुशियों से झूम उठेगी। बेटे बाबा। हाँ मैं भी आया। कहाँ जा रहा? अच्छा तुम कहते हो तो नहीं जा। जीता रहो, जाओ। गौरी, ओ गौरी, गौरी। हाँ बेटा रोशन। माँ गौरी कहाँ गई? बेटे को फूल लेकर होटल गई है। वो क्यों चली गई? फूल तो मुझे ले जाने। मैंने मना किया था मगर वो चली गई। उसे नहीं जाना चाहिए था माँ, होटल में पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं। अब रोशन यहाँ फूल लेकर नहीं आएगा। मगर क्यों? इसलिए कि वो तुम्हारे लिए यहाँ फूल लेकर आता था और मेरे लिए यहाँ से कांटे लेकर जाता था। तुमने समझा नहीं गोरी। मैं खूब समझती हूँ मेम साहब। मैं पहाड़ों की बेटी जरूर हूँ लेकिन पत्थरों की औलाद नहीं। तो ठीक कहती है गोरी, मगर तू क्या जाने, मैं अपनी मोहब्बत का मजार जरूर हूँ लेकिन तेरी मोहब्बत के कातिल नहीं बनूंगी। नहीं रोशन, तुम गोरी यहाँ आई थी? तुम्हें किसने बताया? ये फूल बता रहे हैं दीदी जी। वो तो चली गई मगर तुम उसे क्यों ढूंढते हो? दीदी जी, किसी का कोई खो जाए तो उसे ढूंढते ढूंढते इंसान अपनी जिंदगी खो देता है। फिर मैं अगर गोरी की तलाश में निकल पड़ा तो कौन सी बड़ी बात है? बहुत प्यार करते हो गोरी से दीदी जी। दो दिन बाद हम दोनों की शादी है। मैं चाहता हूँ आप हमारी शादी में जरूर आए, मगर सोचता हूँ कि आप आसमान हैं और मैं जमीन, कहीं आसमान जमीन से मिलने से इनकार न करते। नहीं रोशन, आसमान तो कब का छुप चुका। मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी मगर एक शर्त पर। कौन सी शर्त बीबी जी? अगर तुम दूल्हा का लिबास पहनकर मुझे लेने आओ। लो ये भी कोई शर्त है बीबी जी? मैं आपको लेने जरूर आऊंगा और दूल्हा बनकर आऊंगा। जो ख्वाब देखे थे चाहतों के, देखे थे चाहतों के,
तेरी माँ ने बड़े शौक से बनाई थी कि जब तू दुल्हा बनेगा तो इसे पहन के जाएगा। माशाल्लाह। बाबा हाँ, मैं अभी आया। कहाँ जा रहा है? किसी को अपनी बारात में शामिल करने के लिए लेने जाना है, बस यूं गया यूं आया। मगर वो है कौन जाने बाबा? कोई है बाबा, मैंने उससे वादा किया था कि जब मेरी शादी होगी मैं दूल्हा बनूंगा तो उसे जरूर लेने आऊंगा। ठीक है बेटा, जरा जल्दी आ जी। हाँ शाबाश। बीबी जी, मैं आ गया। बीबी जी आप तैयार हैं तो चलें। क्यों नहीं? तो फिर चलिए बीबी जी, देर हो रही है। इतने बेचैन क्यों हो? वो बाराती जो इंतजार कर रहे हैं। बाराती या दुल्हन? आप जो कुछ समझ लें बीबी जी, मगर जल्दी चलें। तुम दुल्हा बनकर बारात छोड़कर आए हो, तुम्हें यहाँ आने से किसी ने रोका नहीं? कौन रोक सकता था बीबी जी, मैंने तो आपसे वादा किया था। लेकिन जल्दी चलिए, वक्त कम है, फासला बहुत है। घबराओ नहीं, गाड़ी मेरे पास है, फासला यूं तय हो जाएगा। जिसने तुम्हारी दुल्हन बनना है वो जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार कर सकती है। हाँ, चलो चले चलिए। बीबी जी, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। फिर भी आप कुछ परेशान सी लगती हैं। क्या आपको मेरी शादी की जरा भी खुशी नहीं? खुशी? हाँ हाँ, मुझे बड़ी खुशी है। मैं बहुत खुश हूँ। बीबी जी, एक बात पूछूं? सुना है कि शादी वाले दिन अगर दूल्हा घर से बाहर चला जाए तो दूल्हा दुल्हन के लिए शगुन अच्छा नहीं होता, क्या ये सच है बीबी जी? हो सकता है ये बात सच्ची हो। बीबी जी, अगर आपके शादी वाले दिन आपका दूल्हा किसी को लेने चला जाए तो क्या आप उसे जाने देंगे? काश मैं उसे रोक लेती, जाने न देती तो आज ये दिन न देखती। क्या हुआ आज के दिन? ये पूछो कि क्या नहीं हुआ।
चलो शाबाश चलो। मेरे बेटे को बचा ले डॉक्टर, मेरे बेटे को बचा ले। वो किसी की जिंदगी की आखिरी उम्मीद और मेरे बुढ़ापे का आखिरी सहारा है। डॉक्टर, मैं अपनी आंखों की चमक और अपने इस बूढ़े जिस्म में गर्दिश करने वाले खून का आखिरी कतरा तक बहाने को तैयार हूँ। मेरा बेटा बच जाएगा ना डॉक्टर? बाबा बाबा, तुम इत्मीनान रखो, तुम दुआ करो, मैं दवा करता हूँ। अल्लाह पाक। जख्मी को इमरजेंसी वार्ड में पहुँचा दिया गया है। गुड। कुल कितने जख्मी है? सर दो है, एक मेल दूसरी फीमेल। जी फिर बाबा, तुम तो कह रहे थे सिर्फ एक पेशेंट है। डॉक्टर बाबू, वो मेरा बेटा एक मेम साहब को अपनी शादी की दावत देने गया था कि हादसा हो गया। नर्स, तुम डॉक्टर परवीन को कहो कि फीमेल वार्ड में पेशेंट को ट्रीटमेंट दे। यस डॉक्टर। डॉक्टर, अल्लाह तेरा भला करे। दोनों बहुत बुरी तरह जख्मी है सर, मेरा ख्याल में इन्हें सिविल हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा। जिंदगी और मौत तो खुदा के इख्तियार में, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। तुम खून का बंदोबस्त करो। यस। तुमने तो खुशी से चमकता हुआ सेहरा लेकर मुझ तक आना था, ये तुम लहू में डूबी हुई चुप लेकर किन रास्तों से मुझ तक आ पहुंचे हो? कि मेरा दिल तुम्हें पहचानते हुए भी शक के अंधेरों में जा गिरा। मुझे बताओ जावेद, ज़बान खोलो, मुझे बताओ कि तुम मौत के पर्दों से जिंदगी लेकर लौटे हो या मेरी दोस्ती के उस सर्व को आजमाने आए हो जो आज भी तुमसे बिछड़ने के बाद बराबर रो रहा है। बताओ जावेद, जावेद बताओ, तुम जावेद हो कि हो जाओ। सर, दूसरे कमरे में इसके साथी लड़के जख्मों से बेहोश हो गई है, उसे भी चलकर देख ले। पहले मुझे अपने जख्म सी लेने दो, अपना दर्द सह लेने दो। ये खून में लिथड़ा हुआ चेहरा, ये डूबती हुई सांसें मुझे मार डालेंगी। डॉक्टर साजिद, मुझे मार डालेंगी। ये जख्म मेरे दिल, मेरे सांस, मेरे जख्मों पर लगे। मेरे पिछले का हौसला कांप रहा है। डॉक्टर साजिद प्लीज, तुम इनको ट्रीटमेंट दो। मैं शेर खान की जबान से वो बात पूछने जा रहा हूं जो ये चुप मुझे नहीं बता सकी। प्लीज डॉक्टर। डॉक्टर, मेरे बेटे का क्या हाल है? क्या हाल है मेरे बेटे का? तुम बोलते क्यों नहीं डॉक्टर? क्या हाल है मेरे बेटे का? तुम्हारे दिल को आंसू बनकर बहता देख रहा हूं बाबा, और जब दिल आंसू बनकर बहने लगे तो जबान झूठ नहीं बोला करती। मुझे बताओ बाबा, तुम जिसके लिए तड़प रहे हो, क्या सचमुच वो तुम्हारा बेटा? डॉक्टर, कौन किसका बेटा है ये सवाल पूछने का हक तो सिर्फ कयामत के दिन खुदा को है। आज कयामत आ गई है या तुम डॉक्टर से खुदा बन गए हो जो मुझसे मेरे खून के रिश्तों की तफसील पूछ रहे हो? डॉक्टर, मैं तो तुम्हारे पास अपने दिल का जख्म लेकर आया था, तुम्हारे सवाल ने उसमें टीसें और बढ़ा दी। अपने इलाज की तफसील बताओ डॉक्टर, शेर खान का खून कैसा है, उसकी रंगत क्या है, फिर कभी पूछ लेना, फिर कभी पूछ लेना। अब पूछने की बिल्कुल जरूरत नहीं बाबा। मैं कहा हूं जावेद,
मेरे दोस्त, मेरे यार, खुदा का शुक्र है तुझे होश आ गया। आसिफ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, ये सब क्या है, ये जख्म, ये खून, ये माहौल, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो तुम्हें अपनी शादी पे ले जाने आया था। चलो देर न करो, ना ही बेपरवाह रहोगी। मैं खुद हैरान हूँ, तुम जावेद हो, मगर लोग तुम्हें रोशन क्यों कहते हैं? यहाँ के लोगों से, इन पहाड़ों से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे लिबास में ये तब्दीली क्यों और कैसे आ? मैं बताती हूँ डॉक्टर, मुझे ज्यादा तफसील का इल्म तो नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, जिस रात आप अपने दोस्त का इंतजार करते करते उसकी शादी में शरीक होने के लिए लाहौर चले गए थे, उसी रात बूढ़ा शेर खान इनको बेहोशी के आलम में लेकर आया था। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। आसिफ, ये सब सच है? क्या सच है और क्या झूठ, इसकी गवाही तो वो जबान देगी जो तुम्हें बेटा देती। आओ मेरे, आओ। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। रोशन, शुक्रिया। कौन है आप लोग? तुम इन्हें नहीं जानते? बिल्कुल नहीं, मैंने तो आज से पहले इन्हें नहीं देखा। ये तू क्या कह रहा है रोशन बेटे? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। बाप हूँ, बेटा ही तो कह रहा हूँ। शायद भूल हुई है आपको, या फिर आंसू ने आपकी आंखों को धुंधला दिया है, जो मेरी सूरत में आपको अपना बेटा दिखाई देता है। मैं आपका बेटा कैसे हो सकता? अरे, ये तुझे क्या हो गया? कैसी बेकी बेकी बातें कर रहा है रोशन? मेरा नाम रोशन नहीं, जावेद है। आसिफ इन्हें समझाओ, ना ही दुल्हन बन चुकी होगी, बाराती मेरे मुंतजर होंगे। कहाँ चलती है बेटा? कहीं है गोरी जो दुल्हन बनी हुई है, तुम्हारे पहाड़ से गिरने की खबर सुनकर जिंदगी ना हार दे। बेटा, इससे पहले कि गोरी के सेहरे की भूत तेरे इंतजार की आग में जल जाए, बेटा आओ घर चल। कौन गोरी बाबा, कौन गोरी है? तू अब गोरी को भी भूल गया, तू गोरी को भूल गया। ये तेरी जुबान है, ये इसकी जुबान को क्या हो गया भैया? इसकी जुबान है, ये तलवार जो मेरे दिल को काटे डाल रही है। बताओ कि तुम्हारा रोशन नहीं कौन है? ये रोशन नहीं है, आज तक ये भी अंधेरे में था और तुम सभी मिल गया है। और कितनी खूबसूरत है ये निशानी तेरे प्यार की, निशानी मेरे प्यार की।